आपको बता रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक बड़ा बयान दे दिया ड्रेस कोड को लेकर, जहां एक तरफ पूरे देश के कई सारे मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किए जाने की बातें हो रही हैं, वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने इससे उलट बिल्कुल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये विधर्मियों की चाल, ये सनातन धर्म को तोड़ने की नई चाल चली गई। वैसे आपको बता दें कि ये ड्रेस कोड की बात जो है ये उत्तराखंड से शुरू हुई थी और वहां पर एक अखाड़े की तरफ से इस बात का फैसला किया गया था कि अब मंदिरों में जो कपड़े हैं वो संयमित रूप से पहनकर लोग आए, इसको लेकर फरमान जारी कर दिया गया था और इसी को ड्रेस कोड कहा गया। और इसके बाद मध्य प्रदेश में भी कई सारी बातें शुरू हो गई, लेकिन अब मध्य प्रदेश के मंदिरों में जब कई सारे मंदिरों में इस प्रकार से ड्रेस कोड की बात या ड्रेस कोड रखे जाने की स्लोगन या बोर्ड लगाने की बात सामने आई, तो इसके बाद अब ड्रेस कोड के विरोध में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा उतर आए हैं। पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान को कभी कपड़ों से मतलब नहीं है, ये सनातन धर्म को तोड़ने की नई चाल है। एक तरफ कथावाचक कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म को तोड़ने की चाल है, वहीं दूसरी तरफ अखाड़े की तरफ से ये फरमान जारी किया जाता है उत्तराखंड में कुछ मंदिरों के लिए, और उन्होंने ड्रेस कोड लागू करने वालों को विधर्मी बताया। ऐसा करने से ही हमारे बेटा बेटी दूसरे धर्म की तरफ चले जाते हैं, वो ये कह रहे हैं। भोलेनाथ कपड़ा देखता है या फिर कलेजा देखता है, शिव का भी कपड़ों से प्रसन्न नहीं होते। कुछ लोग हमारे ही सनातनियों के कान भरकर उनसे इस तरह की सुलह, इस तरह के काम करवाए। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि संस्कृति बचाओ मंच ने मध्य प्रदेश में ये लागू किया और मैं भी एक मंदिर का संचालन पिछले 40 वर्षों से कर रहा हूं, उस मंदिर में भी हमने ये लागू किया, लेकिन आपके शायद सुनने या समझने में कुछ गलतफहमी हुई है। हमने ये नहीं कहा कि फुल पैंट पहन के आइए तो हम मना कर रहे हैं जीन्स की, या आप हाफ टी शर्ट हाफ बाय किसी टी शर्ट पहन के आएंगे तो हम मना कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि नाइट सूट पहनकर, रात का गाउन पहनकर या हाफ बरमुंडे में पहनकर स्त्री और पुरुष कोई भी मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिससे कि उनके अंतरंग जो है वो चीजें दिखने लगती हैं। कोई फैशन शो का जगह नहीं है, ये धार्मिक स्थल है, कोई पर्यटन स्थल नहीं है। हमने इस पर विरोध किया है। और रही बात भक्तों के नहीं आने की, आप नहीं जानते संस्कृति बचाओ मंच फेस करता है जब आड़े टेढ़े वस्त्र कर लड़कियां आती हैं तो मंदिरों के बाहर में मंचले खड़े रहते हैं, उनके साथ छेड़ाखानी करते हैं और जब वो झगड़े होते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होता है। तो ये संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से पंडित जी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया है और इसका विरोध किया है, उसके बाद उसके एवज में जवाब आया है। आपने सुना क्या जवाब दिया गया? हम तो टी शर्ट पहने, हम नहीं जा रहे, मम्मी तुम दर्शन कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। आगर मालवा से खबर, जहां पर सालरिया स्थित कामधेनु गौ अभ्यारण्य में अचानक से करीब 200 लावारिस गायों को लेकर ग्रामीण पहुंच गए। ग्रामीण चाहते थे कि लावारिस गायों को गौ अभ्यारण्य में जगह दी जाए, जबकि गौ अभ्यारण्य संचालन समिति गायों को रखने के लिए तैयार नहीं था। इस बात को लेकर दोनों ओर से हंगामा हो गया। संचालन समिति ने ग्राम बड़ा पलड़ा के सरपंच के साथ आए दर्जनों ग्रामीणों पर आरोप लगाया और शिकायत दर्ज कराई। मामले में सुसनेर पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की अब बात कही है। और 4500 चूंकि गाय यहाँ पर हैं, अभी जिनमें 500 गाभिन भी हैं, तो उनके लिए इनके पास पर्याप्त व्यवस्था है, किंतु इससे और अधिक संख्या होती है तो उनके पास व्यवस्था नहीं है और अव्यवस्था फैली, उन्होंने मना किया था उसके लिए। फिर भी जो है बाद में इनके द्वारा जो है अभ्यारण्य के गेट तोड़ के और ज़बरदस्ती लगभग 200 गायें और अभ्यारण्य के अंदर प्रवेशित कर दी गई है, जिस पर शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। हमने वीर प्रभारी को मौके पर भेजा है और वो जाँच कर रहे हैं, जो भी अपराध बनेगा या जांच में जो भी उनसे तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तीन तलाक का ताजा मामला जबलपुर के आधार ताल थाना क्षेत्र से आया, जहां पर सोहेल नामक युवक अपनी पत्नी जेबा को शादी के 8 महीने के बाद वो तलाक दे चुका है।
पीड़ित युवती ने बताया कि आपसी रजामंदी से करीब 8 महीने पहले उनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद से ही पति दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगा। पत्नी जेबा मायके में रहने लगी और पति और ससुराल पर दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। पत्नी की शिकायत से नाराज होकर सुहेल ने जेबा के घर जाकर उसे 3 तलाक दे डाला। 498 का मामला कायम हुआ था, 3-4 जगह जमीन उसका चलान पेश हो चुका है। इसके बाद फिर उस लड़के ने आके फिर अपनी पत्नी को 3 तलाक उसके घर पे आके देखा। लड़की द्वारा अपने की शिकायत के संबंध में पेश किया गया कि हमको 3 तलाक दिया है, लेखक आवेदन पेश किया, उसमें 3 तलाक का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। और इधर ग्वालियर में नाबालिग बच्चियों को पॉर्न वीडियो दिखाने वाले सिरफिरे को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया है। बच्चियों ने वीडियो दिखाने की बात अपने दरअसल परिजनों को बताई और इसके बाद परिजनों ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो सिरफिरा युवक नजर आ गया। परिजनों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी करने के बाद पकड़ भी लिया। जानकारी यह मिली कि युवक पहले भी बच्चों को ऐसी ही और मूवी दिखा चुका है। इसमें उसमें कार्रवाई की गई है और उसको जेल भेजा गया है। इसमें सूचना मिली थी कि इस तरह का व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर रहा है, प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको कोर्ट में पेश करके उसको जेल भेजा गया। बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। चलिए बात छतरपुर की करते हैं, जहां पर बारिश ने नगर निगम के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। आधे घंटे की बारिश में शहर पानी पानी हो गया। और अब बात करते हैं एक ऐसे वीडियो की जो हैरान करने वाला है। बाढ़ की तस्वीरें लोगों ने देखी होगी, लेकिन नदी में अचानक जब बाढ़ आ जाती है तब तस्वीर क्या बनती है, क्या हालात बनते हैं। देखिए जरा, ट्रैक्टर अभी तो नजर आ रहा है, लेकिन अचानक से जब पानी बढ़ता जाता है तो हालात कैसे बन जाते हैं, ये तस्वीरों में नजर आ रहा। बड़वानी से ये तस्वीरें आई हैं। यहाँ पर वेनी नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। ये खास बात ये कि नदी बिल्कुल सूखी हुई थी और कुछ ही देर में पानी का तेज बहाव यहाँ पर आता चला गया और इतना तेज कि रेत भर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पल भर में इसकी चपेट में आ गई। मजदूर किसी तरह से जान बचाकर भागने में हालांकि कामयाब हो गए, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आपके भी होश उड़ा देगी कि नदी में ऐसे भी बाढ़ आ जाती है। सूखी नदी थी, पानी नहीं था कहीं पर। देखिए जरा, रेत निकाल रहे थे और कुछ ही देर बाद फिर क्या हालात बन गए, ये भी दिखाते हैं। शुरुआत से दिखाते हैं एक बार फिर से तस्वीर, कैसे हालात यहाँ पर हो गए। कुछ ही देर, चंद सेकंड में ही सैलाब ऐसा आया कि सब कुछ बहा लेने पर आमादा हो गया। देखिए जरा, शुरुआत से तस्वीरें देखिए, पानी आ रहा था और यहाँ जो मजदूर थे निकालने का काम कर रहे थे, तुरंत उनको संभलने का मौका नहीं मिला, ट्रैक्टर निकालने तक का मौका नहीं मिला। मॉनसून के दस्तक देते ही बुरहानपुर जिले में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। 2 दिनों से हो रही बारिश से शहर के कई क्षेत्र जलमग्न हैं। वहीं शहर के सरकारी सुभाष हाई स्कूल का प्रांगण तालाब में तब्दील हो गया। स्कूल के चारों तरफ पानी ठहरा होने की वजह से स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानी होने लगी। फिलहाल बारिश का दौर थमा है, लेकिन बादलों के छाए रहने से फिर से बारिश की संभावना बन गई है। की वजह से ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर में हर तरफ पानी पानी हो गया है।
बारिश की वजह से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। बीती रात हुई तेज बारिश की वजह से शहर के शासकीय सुभाष हाई स्कूल का प्रांगण पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया है। हमारे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो स्कूल प्रांगण में ठहरा हुआ है, जिससे स्कूल प्रबंधन को भी काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। बीती रात जो बारिश हुई उसकी वजह से शनवारा चौराहा में जो है काफी मात्रा में पानी देखा गया। नगर निगम की इसमें पोल खुलती दिखाई दी। एक साफ सफाई अभियान के जो नगर निगम दावे कर रहा था उसकी पोल बारिश ने खोल दी है। जहां पर नालियों से पानी बहना था वो पानी सड़कों के ऊपर से बहता दिखाई दिया। हालांकि अभी बारिश का दौर जो है थमा हुआ है, लेकिन जिस तरह से बादल छाए हुए है उससे आसार लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ही समय बाद बारिश फिर से दस्तक देगी। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज 18 बुरहानपुर। जिनके कंधों पर जंगल को बचाने की जिम्मेदारी है वो जंगल छोड़कर शहर में जंगल राज का नजारा पेश कर रहे हैं। मामला बैतूल का, जहां पर जिला अस्पताल परिसर में वन विभाग के एक डिप्टी रेंजर ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। एसएस सिरसाम नामक इस डिप्टी रेंजर ने इतनी शराब पी रखी थी कि वो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। नशेड़ी वनकर्मी ने कमिश्नर से लेकर सीएम तक को चुनौती दी। वनकर्मी ये कहते हुए दिखा कि बनाओ मेरा वीडियो, कमिश्नर और सीएम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वीडियो वायरल होते ही वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने संज्ञान ले लिया है। भी जो गलती उन्होंने पहले किया है दूसरी बार वही गलती कर रहे, तो फिर इसको हमको भी मतलब बहुत बड़े लेवल पे कार्रवाई करने का जरूरी है। सो इसको हम इनको हम मेडिकल करवा के और इसके आगे जो भी मतलब बड़े लेवल का कार्रवाई है इनके ऊपर हम जरूर करेंगे। आगरमालवा जिले में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त 22 साल की महिला के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया। हालांकि महिला की आवाज को सुनकर दो राहगीर युवकों ने महिला को बचा लिया और सड़क निर्माण में मजदूरी करने बिहार से आए आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, विवेचना शुरू कर दी है। महिला थाने में विक्षिप्त को बचाने वाले दोनों युवकों का माला पहनाकर सम्मान भी किया गया। तीन तलाक का मामला जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र से आया। हमने आपको खबर बताई जहां पर सोहेल नामक युवक ने अपनी पत्नी जेबा को शादी के 8 महीने के बाद ही तलाक दे डाला। पीड़ित युवती ने बताया कि आपसी रजामंदी से लव मैरिज हुई थी उनके 8 महीने पहले और कुछ दिनों बाद ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता रहा। जब वो मायके में रहने लगी तो पति और ससुराल पर दहेज प्रताड़ना का उसने शिकायत दर्ज कराई थाने में और इसी शिकायत से नाराज होकर सुहेल ने जेबा के घर पहुंचकर उसे 3 तलाक दे दिया। इसके बाद फिर उस लड़के ने आके फिर अपनी पत्नी को 3 तलाक उसके घर पे आके दे दिया। लड़की द्वारा लिखित शिकायत के संबंध में पेश किया गया कि हमको हमको 3 तलाक दिया है, लिखित आवेदन पेश किया है, 3 तलाक का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। घर पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई से परिजन नाराज हो रहे हैं। आरोपी के परिवार के लोग घर के बाहर खाना बनाकर खा रहे हैं। आरोपी के पिता ने कहा है कि प्रवेश शुक्ला गैंगस्टर नहीं है और न ही किसी का उसने बलात्कार किया। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने यह भी कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ वो हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे। आपको बता दें कि मकान का कुछ हिस्सा बुलडोजर से गिराया गया था।
इधर जबलपुर में आशा उषा कार्यकर्ता एक बार फिर से आंदोलन की राह पर चल पड़ी हैं। सैकड़ों आशा उषा कार्यकर्ता रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंची। उन्होंने परिसर में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने अपने नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और पदोन्नति समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन फिर से किया। इन सभी मांगों को लेकर वे पहले से भी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें हर बार केवल आश्वासन देकर शांत कराया जाता है। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अब ये चेतावनी दी है कि उनकी मांगें पूरी अगर नहीं होती तो उनका आंदोलन तब तक जारी थे। खबर छतरपुर से, जहां पर कांग्रेस के विधायक पुलिस की वाहन चेकिंग से भड़क गए। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब कांग्रेस विधायक की गाड़ी को रोका तो वो आग बबूला हो गए। पुलिस से सवाल पर सवाल कर डाले। उनका गुस्सा होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिखवाते हैं तस्वीर की क्या हो रहा था वहां पर। विधायक आलोक चतुर्वेदी ये कह रहे हैं कि वो क्षेत्र का दौरा कर लौट रहे थे, पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका। विधायक का ये कहना है कि बीजेपी की सरकार में पुलिस वाहन चेकिंग के नाम पर वसूली कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है। कल अचानक जब मैं उस तरफ से निकला तो मैंने देखा कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और आम आदमी इतनी भीषण उमस के इस मौसम में वाहन चेकिंग को लेके वहाँ पर दूर दूर खड़ा था। जब मैंने वहाँ पूछताछ की और जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाहन चेकिंग अभियान है कोर्ट के आदेश के अनुसार और हेलमेट चेकिंग कर रहे हैं। तो ये हेलमेट एक बहाना है और कोर्ट के आदेश का भी जिस तरह से पालन होना चाहिए वो पालन नहीं हो रहा है। एक बार समाचार पहले तुम लोग गाड़ी रोक के कर चुके हो, तुम लोगों को गाड़ी समझ में नहीं आती है। बुला डीआई को लगा को उसका देख तुमने यार लगा दियो हैं एसटी तो ले गए यार गाड़ी छूटी थी यार नहीं। अगर आपको दतिया के राजस्व अधिकारी से कोई काम है तो आपको चिराग लेकर ढूंढना पड़ जाएगा। शायद 100 रुपये टैक्सी का किराया खर्च करके जब आप कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे तो वहां आपको उस अधिकारी का खाली दफ्तर मिलेगा या खाली कुर्सी मिलेगी। तहसीलदार का चैम्बर और उनकी खाली कुर्सी देखकर दूसरे न्यायालयों की दशा का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। कोई भी अधिकारी न्यायालय में नहीं बैठता। वकील और आम लोग परेशान होते रहते हैं, उनको तारीख पर तारीख मिलती रहती है, जबकि कलेक्ट्रेट में दलालों के जरिए तत्काल काम हो जाते हैं। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी दबी जुबान से मानते हैं कि निचले स्तर पर संवेदनशीलता की कमी है। से अवासक काफी परेशान है, राजस्व न्यायालय में कोई काम नहीं होता है, महीनों आदेश के लिए पड़े रहते हैं, आरआई द्वारा महीनों सुधार के प्रकरणों में रिपोर्ट नहीं दी जाती है कि नामांतरण बंटवारे के प्रकरण दलालों के तो हाल के हाल हो जाते हैं। हम लोग सुधार के लिए आवेदन लगा रहे तो पहले तो राजस्व निरीक्षक अपनी रिपोर्ट नहीं लगाते हैं समय पे, और जो रिपोर्टें लगाते हैं वो प्रकरण तहसीलदार न्यायालय में महीनों धूल चाटते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। दोनों बातें हैं, नीचे संवेदनशीलता का जो स्तर होना चाहिए, जो लोगों के समस्याओं और उनके तकलीफ को समझने का जो लेवल होना चाहिए उसकी कमी भी है, और कई बार जहां बेहतर सॉल्यूशन और अप्रोच और वो मिलता है वो जहां पे उनको संवेदना मिलता बेहतर। इधर एमपी बिल ऑफ जिहाद का एक और मामला मंडला जिले में सामने आया। यहां पर सतना जिले की युवती ने मंडला जिले के मुस्लिम युवक पर आरोप लगाया कि शादी का झांसा उसे दिया गया और उसके साथ संबंध बनाए गए, आधार कार्ड में सरनेम चेंज भी करा दिया गया। युवती ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। मंडला जिले की कोतवाली थाना की रहने वाले मुस्लिम युवक से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और वो जानता था कि लड़की हिंदू है, फिर भी शादी करने की बात की और 11 महीने तक लगातार दुष्कर्म करता। युवती ने युवक से शादी करने के लिए जब दबाव डाला, बात की तो आधार कार्ड में नाम बदलवाने की बात वो कहने लगा। आधार कार्ड में हिंदू युवती मुस्लिम भी बन भी गई। फिलहाल महिला पुलिस ने युवती की शिकायत पर मुस्लिम युवक पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पोस्ट हुई थी इंस्टाग्राम में। बात करने के बाद दानिश ने हमें प्रपोज किया था। प्रपोज करने के बाद ऐसे बातचीत होने लगी, नंबर पे भी बातचीत होने लगी हमारी और दानिश की। फिर दानिश बोला कि आप मंडला आ जाओ, मेरे को मिलना है आपसे, आपको देखना है। मैं बोली ठीक है, हो गया आती हूँ। मैं आई थी तो मेरे को होटल अशोका होटल पे लेके आया था दानिश, और वहाँ आया और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोला। इसमें एक सतना की रहने वाली युवती है जिसने कि महिला थाना कोतवाली जो मंडला है वहाँ पे कंप्लेंट करी कि एक युवक है स्थानीय मंडला का, जिसने उसे शादी का वादा किया था और उसे संबंध बनाए और वह शादी करने से मना कर रहा है। साथ ही महिला ने यह भी कंप्लेंट करी थी कि उसके आधार कार्ड में युवती का जो हिंदू नाम था उसको परिवर्तित करके मुस्लिम नाम दिया गया है। इसके आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है और SC/ST की धारा भी उसमें लगाई गई है। हरदा से खबर है जहां पर पुलिस पर आदिवासियों ने कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। ये मामला बिजपुरी सर्कुलर गांव का है जहां पर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे दबंगों ने महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट की थी। मारपीट का वीडियो भी अब सामने आ गया। 24 घंटे के बाद भी सिराली थाना पुलिस ने जब सुनवाई नहीं की तो मजबूर आदिवासी SP कार्यालय पहुंचे कार्रवाई की मांग की। उसके बाद ASP ने कहा कि अजाक थाने को मामले की जाँच सौंपी गई। ये काहे से मारा था लोगों ने तुमको? 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 ये मामला एक बार फिर से आपको पूरा बता देते हैं कि ये मामला जो है ये हरदा का है। पुलिस पर आदिवासियों ने कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पुलिस पर ये आरोप लगा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आदिवासी आरोप लगा रहे हैं। ये बिजपुरी सर्कुलर गांव का मामला है। आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, और किसने कोशिश की थी? दबंगों ने। इसके बाद महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट तक की गई जब इनको रोकने की कोशिश हुई। तो अब मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया है कि कौन क्या कर रहा था, लेकिन 24 घंटे हो गए फिर भी सिराली थाना पुलिस ने सुनवाई तक नहीं की। शिकायत लेकर गए तो सुनवाई तक नहीं की। इस पूरे मामले के बाद जब मजदूर आदिवासी जो हैं मजबूर हो गए तो फिर वो पहुंचे SP कार्यालय दफ्तर, और वहां इन्होंने कार्रवाई की मांग की है कि दबंगों पर कार्रवाई की जाए। अब ASP कह रहे हैं कि अजाक थाने को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।